Isu nam nam nam, 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 और एक बार पूरी आवाज से ऊंची आवाज से बोलो प्रभु यीशु कृत की, हमारे मुक्ति दादा की, संसार के मुक्ति दादा की। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। वही है ईश्वर पुत्र, वही है ईश्वर पुत्र, प्यारा प्यारा परम पिता का वह न्यारा न्यारा। गाइए, ये ईश्वर पुत्र प्यारा प्यारा परम पिता का वह न्यारा न्यारा, वही है सबका सहारा सहारा। यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। आइए, बहुत अच्छा है। कभी भी हम ऐसा साधना में आते वक्त, वापस जाते वक्त, तो कोई पूछेगा कैसा रहा पांच दिवस चार दिवस कैसा रहा, तो आपको कुछ पेश करने के लिए होना चाहिए ना। तो तुरंत पेश करने के लिए क्या होना चाहिए? यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे त्राता, उसका ही मैं गुण गाता। अरे रे, वो तो अच्छा बात है। आइए बैठिए। अभी जो मिसा बलिदान के समय पर फादर जी ने जो प्रवचन पर हमें बहुत अच्छा संदेश दिया, जो समारी स्त्री के पास, समारी स्त्री को ढूंढते ढूंढते हुए प्रभु आया और बाकी सब चेलों को छोड़कर अकेले उनके पास आया। अकेले अकेले, इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि प्रभु हमारा पापमय अवस्था को देखता है, लेकिन दूसरे के साथ उसका बारे में जाने नहीं देता है। ये जो हम हमारी स्त्री का अवस्था जानते हैं, लेकिन इसलिए बाकी सब लोगों को खाना खाने के लिए भेज दिया, वो अकेले आ गया। अकेले, इसको हम कलेसिया में बोलता है पाप स्वीकार। पाप स्वीकार के समय पर हमारे पापों को पछतावा के साथ प्रभु को बताते हैं और पुरोहित के रूप में प्रभु ही वहाँ पर हमारे पापों को स्वीकार करने के लिए और कृपा से भरने के लिए और हमारा जीवन में बदलावा देने के लिए, हमें एक नए इंसान बनाने के लिए
वहां पर अकेले अकेले मिलन करने के लिए आ रहा है। और उनका जो कुछ भी पापमय अवस्था को प्रभु सुनने के बाद प्रभु ने आशीष दिया, आशीष दिया तो उन्होंने एक नई सृष्टि बन गई। उनका जीवन में बहुत बदलाव हुआ और हम सुने हैं वो पानी ढोने के लिए लाया जो मटका वहां पर छोड़कर, मतलब उतना अर्जेंट, ये नहीं सोचता मैं पानी लेके घर में रिकने के बाद जाके सुसमाचार बोलेगा, ऐसा नहीं। वो पानी लेने के लिए जो मटका लाया वो मटका छोड़कर वो शहर पर जाकर सबों को बोलने लगा, देखो आके देखो एक मनुष्य जो मेरा जीवन का सब कुछ मुझे बताया, यही तो ख्रिस्त। और उन लोग आकर प्रभु के साथ प्रभु का प्रवचन सुन के उन्होंने उसके बाद बोलता है कि देखो अभी तुम्हारा कहने से नहीं, हम लोग स्वयं उनका कहना सुना है। और क्या लिखा है, और हमें विश्वास हुआ कि यही है संसार का मुक्तिदाता प्रभु, ये विश्वास हुआ है। कौन लोग? समारी लोग। वो समारी लोग यहूदी लोगों के साथ सचमुच में कोई संबंध ही नहीं है। ये समारी स्त्री ने पहले बोला, देखो आप मेरे पास पानी पूछने के लिए क्यों आए, आप तो यहूदी हैं, मैं एक समारी है, हमारी समारी और यहूदी के साथ कोई पानी भी लेने देने का संबंध नहीं है, जाओ। वही अवस्था था इस समारी स्त्री का, लेकिन प्रभु का प्यार, प्रभु का वचन उसमें बदलाव किया, उनका आंतरिक मन का परिवर्तन किया। उसको बोलता है पश्चाताप। अभी हम ये दो बात पर ध्यान रखना चाहिए, पछतावा करो और पाप स्वीकार करो। पछतावा एक ऐसा जरूरी है हमारे जीवन पर, एक नया जीवन होने के लिए पछतावा का जरूरी है। आइए मरकुस का सुसमाचार में पहला, देखो मैं सुबह से मरकुस का सुसमाचार का पहले अध्याय ही बोलता है ना पहले अध्याय में 15वां वचन सचमुच सुसमाचार है। उसमें ऐसे कहा है कि 15 समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, सब लोग तब रहिए, समय पूरा हो चुका है, पछतावा करें, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये दो बात है, सिर्फ पछतावा करने से नहीं होता है, सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए। सुसमाचार क्या होता है? ये कलेसिया का धर्म ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, इसमें 1846 नंबर लिखिए, 1846 ये लिखना जरूरी है। ये बहुत कलेसिया का कथन, कलेसिया का
कलेसिया का नियम हम पढ़ना चाहिए। यहां पर लिखा है द गोस्पल इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ गॉड्स मर्सी टू सिनर्स। मतलब सुसमाचार मतलब यही है, ईश्वर को पापियों को ऊपर जो दया और करुणा, उसको सुसमाचार बोलता है। पापियों को ईश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। पापियों को एक विशेष रीति से वो प्यार करता है। हम लोग साधारण रीति से ऐसा नहीं है, एक वो पापी है, वो बहुत खतरनाक है, उसको मत प्यार करो, उसको कुछ मत दे दो, उसको घर में घुसने दो, हाँ समझ गया, ऐसा नहीं प्रभु। हम लोग अगर एक व्यक्ति बहुत खराब आदत का है, चोर है, नहीं तो जो कुछ भी बुराई करता है, तो बोलेगा देखो बेटा वो खतरनाक आदमी है, उसके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उसको अपने घर में नहीं घुसने देना, हाँ है ना। ऐसा नहीं है प्रभु। प्रभु उनको अपना बेटा समझता है और उसको प्यार करता है और उसको उस बुराई अवस्था से बचाने के लिए प्रभु अकेले उसके पास जाता है, जैसा ये सवारी स्त्री के पास आया। ऐसा यही सबसे बड़ा सुसमाचार है। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज। और ये समय पूरा हो चुका है। मतलब पुराना जब फरीसियों की ईश्वर को प्रार्थना करता था तो इस विचार नहीं था, उन लोग पापी लोगों को छूना नहीं करता है, उसको छूना नहीं, वो पापी है, उनके ऊपर घर न उसको उनका घर नहीं जाना, वो पापी है। पैसा पापियों को घृणा रखने का मनोभाव था फरीसी लोगों को, यहूदी लोगों को। लेकिन ये नया यहूदी आ गया। कौन है यहूदी? ईसा मसीह। वो ईसा मसीह यहूदी है लेकिन वो सचमुच ईश्वर पुत्र है और ईश्वरी है। और समय पूरा हो गया कि इस संसार भर के सब पापियों को उनकी पापमय अवस्था से मुक्ति देने का समय आ गया। इसलिए यह वचन बहुत अनोखी वचन है, मरकुस 1:15। और एक बार एक हाथ ऊपर उठाते हुए दोहराइए, मरकुस 1:15, ईश्वर का राज समय पूरा हो चुका है। थोड़ा ऊंची आवाज से, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पछतावा करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अभी मैं एक दूसरा दृष्टांत सुनाएंगे, वो दृष्टांत लूकस का सुसमाचार का बहुत बहुत आनंदमय दृष्टांत है। लूकस, मैंने सुबह बोला ना, लूक हमारे जैसा एक साधारण विश्वासी था, इसलिए उसका दृष्टांत वगैरह एकदम हमारे साधारण लोगों को अच्छी तरह समझता है। सारे बाइबल पर ऐसा एक दृष्टांत दूसरा कोई नहीं लिखा है जो दृष्टांत लूकस का 15वां अध्याय में।
उसको बाइबल की पंडित लोगों ने कहा था कि वही सुसमाचार का सुसमाचार, बोलिए सुसमाचार का सुसमाचार। लूक 15, किसके कितने लोगों के पास बाइबल है, आप कितने लोगों के पास बाइबल है ना? अच्छा, आज रात को आप ये 15वां अध्याय जरूर एक बार पढ़ना, 15वां अध्याय लूक 15। उसके बारे में बहुत कहानी है, लेकिन मैं तो लूक 15 उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाव पुत्र जो पुत्र अपने पिता का सब, पिता से सब कुछ उनका हिस्सा लेकर जाकर सब कुछ पापमय अवस्था में जीते हुए सब कुछ खत्म कर दिया, वो कहानी मालूम है ना? उस पर आने के पहले ये लूक 15 में 3 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत खोया हुआ बेड का दृष्टांत है, खोया हुआ बेड है, खोया हुआ ईसा का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, उनके दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 बेड़े हैं, आज फादर जी ने कहा रहा था ना 99 बेड़ों को छोड़कर जो एक के पीछे गया, मैं उसको एक दूसरी तरीका से मैं अवतरण करना चाहता है। आपको एक ध्यान होना, ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इसराइल में ये बेड़ों को चलाने वाला को क्या बोलता है? गडरिया बोलता है, गडरिया। वो गडरिया लोगों के पास 100-200 ऐसा झुंड है, बेड़ों का झुंड है, और उन लोग रात को एक 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 जगह पर एक, उसको क्या बोलता है, गुहा नहीं तो खेव, खेव 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 को क्या बोलता है, गुहा। हाँ, वो गुहा बहुत बड़ा गुहा होता है, और एक बाजू में एक गडरिया का बेड को चढ़ाता है, और वो गडरिया गुहा का सामने लेटता है ताकि रात को कोई भी चोर आना नहीं चाहिए और कोई भी बेड बाहर नहीं जाना चाहिए, उतना वो पेड़ों के बारे में ध्यान रखता है। और ये बेड़ों को गडरिया चलाने का एक तरीका है, वो तरीका ऐसा है, एक एक गडरिया को एक आवाज है, एक आवाज, वो आवाज सुनने से वो गडरिया का बेड़ उसके पीछे आता है, समझ में आया? अभी मैं उसको एक सैंपल दिखाता है, ये एक गडरिया का आवाज है, ये आवाज सुनने से उसका सब बेड़े उनके पास आएगा, दूसरा बेड़ नहीं आएगा, और दूसरा गडरिया का आवाज दूसरा कुछ होगा, वो तो अभी नहीं मालूम है मुझे, मैं एक गडरिया है, मेरा आवाज कैसा है? तो सुबह उठकर गडरिया बाहर निकलकर ये आवाज बनाएगा, तो उसका सब बेड़े सब बाहर आएंगे, मतलब मेरे पीछे आ जाओ, तो गडरिया आगे बढ़ेंगे और सब बेड़े उनके पीछे पीछे जाएंगे, और वो बहुत एक 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 क्या बोलता है, दूर में ले चलेगा जहां पर हरी चराई है और पानी है, तो बहुत दूर मतलब वो डेसर्ट को क्या बोलता है, डेसर्ट मरुभूमि, निर्जन देश पार कर कर जहाँ पर हरी जगह ढूंढते हुए ये बेड़ों को ले जाएंगे,
और जो हरी चराई मिला तो गडरिया तब सब भेड़े उधर खाने चालू करेगा। थोड़ा खाने के बाद तब वो सब पानी पीने के लिए जाएगा। पानी पीने के बाद तो वो फिर वो हरी चराई पर आकर थोड़ा सा आराम करेगा और वो जो ठक 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 खाया उसको सब फिर मुंह में आके उसको अच्छी तरह खाएंगे। उसको क्या बोलता है मालूम नहीं, इंग्लिश में चूइंग द कट बोलता है। हाँ जो है। और उसके बाद करीब 2:30-3 बजे होने से वो ये सब को इकट्ठा करके वापस ले जाएंगे। तो वो बोलेगा मतलब सब वापस आ जाओ, तब सब बेड़ें वापस आएंगे। अभी वो वापस आने के वक्त वो लेने के ले जाने के पहले वो गिनती करेगा सबको, ये 5, 10, 20, 25, 22, 23, 50, 60 वो सब गिनती करके 90, 99, अरे एक बेड तो नहीं है, एक बेड तो नहीं मिलता है। तो वो जो एक बेड को नहीं मिलता है, अभी उसके बारे में ये गडरिया को इतना परेशानी, इतना दिलचस्पी, अरे कहाँ गया मेरा बेड, मेरा बेड कहाँ गया। और ये 99 बेड को भूल ही जाता है, वो तो उधर ही है, उसके बारे में उसको फिक्र नहीं। वो 99 बेडों को छोड़कर वो आगे जाता है ये हरी चराइयों का पूरा जहाँ पर जाके, उसके बाद उसके पीछे पीछे जगह पर जाके कहाँ गया तुम, हे मेरे बेट, तुम कहाँ गया, तू कहाँ है, नहीं मालूम पड़ता है। तो किसी दूसरा गडरिया को पूछा, हे मेरा एक बेड को नहीं मिलता है, मेरा ये बेड को नहीं मिलता है, आपको मालूम है कहाँ है, हमें नहीं मालूम है। वो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढता है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं सोचेगा अरे जाने दो हमारे पास साहू है, एक जाने से क्या होता है, ऐसा नहीं सोचता है, ऐसा नहीं सोचता है। ये सब यहाँ पर लिखा है, हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद वो थोड़ा सा पहाड़ी जगह होता है इसके पीछे, वो पहाड़ी जगह पर जाके कुछ आवाज सुना, देखो मुझे रोमांच, आई गेट ए गूस बम्प, अरे मेरा बेड यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। तो वो आस्ते आस्ते समझ में आया कहाँ है ये बेड। तो वो जहाँ पर ये बेड एक 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 छोटा कुआं पर गिर गया, कुआं नहीं तो एक क्या बोला, एक गड्ढा पर एक ये बेड वहाँ पर चले गया और एक गड्ढा में गिर गया, उसको अभी अकेले वापस नहीं आ सकता, उसको कोई उठाना पड़ेगा, उसको सहायता देना पड़ेगा। तो ये गडरिया फिर ढूंढा, तू कहाँ है, तुम कहाँ है, तो आस्ते आस्ते वो समझ गया, वो उसको देखा, देखो उनका बेड एक गड्ढा में गिरा, अरे तुमको क्या हो गया बेटा, अरे तो जैसा गडरिया को देखा ये मेमना नहीं तो ये बेड का, वो बहुत खुश हो गया, मैं
उसको उठाया उठाया और उसको एकदम गला लगाया, अरे अभी मैं तुमको नहीं छोड़ेगा किधर भी। प्यार से उसको उसका छाती पर लगाते हुए, उसके बाद उसका कंधा पर लगाते हुए वापस ले आता है और सबों को बोलने लगा, मेरा बेड को मिल गया, मेरा जो खोया हुआ बेड को मिल गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। यही ईश्वर का सुसमाचार, समझ में आया, यही सुसमाचार है। तो यही ये लूक 15 का पहला भाग मैं पढ़ रहा है। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। नाकेदार और पापियों ईश्वर का उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए मुनमुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। ईसा इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। तो यह दृष्टांत किसको सुनाया, ये फरीसी लोग जो पापियों को प्यार नहीं करता है, पापियों को नफरत करता है, पापियों को छूना नहीं है, पापियों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, उनके साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हुए वो लोग दूर रखता है और प्रभु को बोलता है कि ये क्यों मैं सब पापियों के साथ भोजन करता है। तो प्रभु ने ये दृष्टांत सुनाया, क्या है दृष्टांत, यदि तुम्हारे 100 बेटे हैं और उनमें से एक भी भड़क गए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 बेटों को निर्जन प्रदेश पर छोड़कर न जाए और उस भड़के हुए न जाए और उसके भड़के हुए की तब तक ना गोचता रहे, न जाए और उस भड़के हुए को तब तक न गोचता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। वही बात है, छोड़कर और उस भड़के हुए को तब तक, जब तक गोचते रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। वैसा नहीं सोचेगा, देखो 99 तो है एक जाने दो, ऐसा नहीं सोचता है। ये तो फरीसी लोगों का रोज का कार्य है, उन लोगों का पास ऐसा रोज होता है। तो ये दृष्टांत इसलिए उन्हें सुनाता है। और उसके बाद प्रभु का वाणी सुनिए, पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधे पर रेख लेता है और घर पर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाते हैं और उनसे कहता है मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपने भड़के हुए भेड को पा लिया है। हे मैं तुमसे कहता हूं, अभी प्रभु का कथन, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो 99 लोग जिसको पश्चाताप का जरूरत नहीं है,
लेकिन एक पापी, एक जो व्यक्ति है वो पापी है, उसका पछतावा का जरूरी है और उसके बारे में प्रभु को दिलचस्पी है। और पछतावा करके वापस आने से स्वर्गदूत ने बहुत आनंद बनाता है, स्वर्ग में आनंद बनाता है। तो आइए हमारे घर जीवन पर हमने जो कुछ भी गलती किया हो और भड़के हुए जैसे ये बैठ के जैसा दूर चले गया हो, तो अभी हमारे लिए मौका है। प्रभु आपको ढूंढता है, प्रभु आपका पीछे आता है। जब तक आप वापस नहीं आएगा, प्रभु पीछे रहेगा और प्रभु का प्यार हमारे लिए है। अभी इसमें दूसरा दृष्टांत वही बराबर है। एक 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 बहन जी को दूसरा दृष्टांत, अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हैं हो और उनमें से एक भी खो गया, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न गोचती रहे जब तक वह उसने नहीं पाए। मतलब उनके अंदर, उनके पास जो 10 सिक्का था वो एक खो गया और वो रात भर बत्ती जलाकर पूरा घर झाड़ कर देखे गए वो मिलने के लिए, जब तक तब तक नहीं मिला। मेरे पाने पर वह अपने पड़ोसियों पर अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद बनाओ क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया है उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी तरह ईश्वर के दूध एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद बनाते हैं। यही है सुसमाचार। अच्छा, इसके बाद तीसरा दृष्टांत, खोया हुआ लड़का। एक पिताजी को 2 लड़का था और उसका जो छोटा लड़का बोला कि पिताजी मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे बाहर जाकर आनंद बनाना है, मेरा हिस्सा दे दो। पिताजी उसको बोला, बेटा वो गलत है, तुम बहुत बुरा अवस्था होगा। नहीं, मुझे चाहिए 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 चाहिए। आखिर में पिताजी उनको सब दे दिया और उन्होंने शहर जाकर बहुत खराब तरीका से जीवन बिताया। उनको बहुत सारा दोस्त मिला और वो दोस्तों के साथ पापमय अवस्था में पैसा सब खो गया। जब पैसा खो गया तो दोस्त भी चले गया और उसको कुछ नौकरी भी नहीं। और उस समय पर एक ऐसा बुरी अवस्था उस शहर पर आया और उसको किधर भी नौकरी भी नहीं मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है। तब आखिर में एक जगह पर उसको काम पर गया, इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेत में सुअर चराने भेजा, सुअर चराने के लिए।
तो कम से कम सुअर को जो भोजन देता है वो मिलेगा। जो फलियों सुअर खाते हैं उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। सुअर जो खाता है उससे जीवन बिताने के लिए देता तो वो भी नहीं मिलने लगा। तब वह होश में आया। क्या लिखा है 15:17 में लिखा है, तब उसको होश में आया। तब वो होश में आया, वही पछतावा है। पश्चाताप मतलब तब उसको होश में आया। होश पर आकर क्या बोला, आया और वो सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखे मर रहा हूं। मैं और निश्चय किया, देखो यही पश्चाताप। वो निश्चय किया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। सब बोलिए, मैं उठकर अपनी पिता के पास जाऊंगा। और मैं पिता से कहूंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके प्रति पाप किया है। देखो इसको बोलता है पाप स्वीकार। मैंने आपके और स्वर्ग का विरोध पाप किया है। आपको मालूम है यह लड़का उसके बाद उठकर पिताजी का घर पे लिए जाने लगा। और पिताजी का अवस्था क्या होगा, वो रोज वो खाता नहीं पीता नहीं प्रार्थना करते रहता है उनका बेटा कब वापस आएगा। उसका हृदय उसका बेटा के लिए रो रहे हैं और रोज जाकर देखता है वो कोई आ रहा है क्या, कोई नहीं। लेकिन उस दिन देखा तो बहुत दूर से उसको दिखाई पड़ा, अरे अरे वो तो आ रहा है, वो तो आता है, वो तो मेरा लड़का जैसा देखता है। वो दौड़ कर बाहर आ गया, घर सड़क पर आ गया और वो पुकार कर बोलने लगा, अरे ये सबको बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, हे नौकर लोग आ जाओ सब लोग, मेरा लड़का देखो वापस आ रहा है। और वो जाकर उसको गला लगाया प्यार से और ये बोलता है कि नहीं 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 नहीं, आप मुझे अपना पुत्र मत मानो, मुझे एक नौकर करके मानो बस। मैं मेरा सब कुछ लेकर चले गया था, अभी मुझे एक नौकर के बारे समझो। नहीं 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 नहीं, मैं क्या बात करते, तुम मेरा बेटा है, अरे नया कपड़ा लाओ, इसके लिए नया जूता लाओ, अरे काटो बहुत बड़ा बछड़ा को और हम लोग त्योहार बनाएगा, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया। और उनको अपना हाथ का रिंग निकाल कर उसको पहनाया, ताकि उसको अपना पुत्र करके स्वीकार करता है। यही सुसमाचार है, ईश्वर हमें उतना प्यार करता है, इतना वो सब कुछ खराब किया, पिताजी उसका बारे में कुछ भी नहीं पूछा, अरे क्या हुआ तुम इतना पैसा लेके क्या किया, तुम उसको हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा सोचा ही नहीं। और बहुत घर में बहुत
त्योहार बनाने चालू किया और कहानी पूरा नहीं हुआ। उसका बेटा बेटा काम कर रहा था, शाम को काम करके वापस आया तो घर में बहुत आनंद बना रहा है, सब लोग गाता है पीता है खाना पीना और नाचता है सब। और ये पूछा, अरे मेरा जानने बगैर हमारे घर में इतना त्योहार कैसे होता है? वो पूछा किस घर क्या हो रहा है इधर पर क्या होता है? तो नौकर लोग बोला, अरे आपका छोटा भाई आ गया, इसलिए हम लोग बहुत खुश है, आपका पिताजी बहुत खुश है, इसलिए हम लोग आनंद बनाता है, आपका छोटा भाई आ गया। वो कौन आया, वो क्यों आया? वो तो इसका हिसाब लेके चले गया था, वो क्यों आया? इसको खुशी नहीं होता, इसको गुस्सा होता है। अरे वो क्यों वापस आ गया, उसको घर में क्यों गुस्सा है? और ये घर में घर का अंदर नहीं आया, बाहर बैठा है। तो पिताजी फिर आ गया, पिताजी आके बोला, अरे बेटा आओ, हमें खुशी मनाना चाहिए जो तुम्हारा छोटा भाई वापस आ गया। वो क्यों वापस आ गया? और वो पिताजी से गुस्सा से बात करने लगा, मैं इतना साल आपके लिए इतना सेवा करता था और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए एक मेमने को दिया क्या, और अभी जो आपका छोटा लड़का वापस आ गया तो इतना बड़ा त्योहार बनाता है, क्या पिताजी है? अरे बेटा ऐसा मत बोलो, ये तुम क्या कहता है? देखो वो क्या बोला, मैं इतना दिन आपके लिए सेवा किया तो उसका गलती क्या है? मैं इतना साल आपके लिए क्या किया, सेवा किया, मतलब ये इतना साल घर में रहा लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये मेरा पिताजी है, उसको ऐसा नहीं मालूम पड़ा ये मेरा पिताजी है, ये मेरा घर है। वो बोलता है कि मैं इतना साल आपके लिए सेवा किया, नौकरी किया और आप मेरे लिए एक बेचारा को एक मेमना को भी नहीं काटा, यही है हमारा पछतावा। देखो अभी आग्री वजन ये है, परंतु पर जैसे क्या देखो क्या कहता है, मैं इतना वर्ष में आपके सेवा करता आया हूं, इतना वर्षों में से आपको सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपका आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया है, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद बनाऊं, पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उठा दी है, अपनी आपने उसके लिए मोटा मोटा बछड़ा मार डाला, मोटा बछड़ा मार डाला मतलब बहुत बड़ा त्योहार बनाया आपने उसके लिए। इस पर अभी सब लोग हाथ उड़ाते हुए दबराइए, इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते थे, तुम सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। देखो सोचो, ये बड़ा लड़का बोलता है कि मेरे लिए एक
एक बछड़ा का बच्चा को भी नहीं काटा। तो पिताजी क्या बोलता है कि अरे तुम क्या बात करता है, तुम मेरा बेटा है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। लेकिन वो ज्ञान उसको इसलिए नहीं हुआ तो ताकि वो नहीं समझा कि ये उनका पिताजी है, ईश्वर उनका पिताजी है, ये घर वाला उनका पिताजी है। तो ये सब दृष्टांत का आंतरिक अर्थ यह है कि ये फरीसियों के बराबर है। फरीसियों ऐसा सोचता है, ईश्वर को पिता जैसा नहीं मानता है। इसलिए प्रभु ने इस दृष्टांत फरीसियों को कहा और उसके बाद पिता ने कहा वह तुम्हारा, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित है, उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था। ये एक व्यक्ति पापमय अवस्था रहने से वो मरने के समान है, मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है, इसलिए हम आनंद बनाने। प्यारे भाइयों, ये बाइबल का प्रभु यीशु का कहने का, प्रभु यीशु स्वयं कहा ये दृष्टांत, और ये लूकस का सुसमाचार में ही है। तो हमारे जीवन पर इसमें से क्या सीखना है? अभी ये तीन दृष्टांत इसमें है, पहला जो खोया हुआ बेट, दूसरा खोया हुआ सिक्का और तीसरा खोया हुआ लड़का। अभी ये पहला वाला दृष्टांत जो खोया हुआ भेड़, ये छोटा छोटा लड़का का समान है, और जो घर में था, घर घर का अंदर खोया हुआ सिक्का, ये दूसरा लड़का है। दूसरा लड़का बाहर नहीं गया, घर में ही था, लेकिन उसका पिताजी से मेल मिलाप नहीं था, पिताजी से मोहब्बत नहीं था, पिताजी से मेल मिलाप नहीं था। तो हमारी जीवन पर, अभी मेरे जीवन पर जो प्रभु का अनुभव होते वक्त मुझे बहुत पछतावा हुआ। मेरा पछतावा यही था कि अरे प्रभु तुम मेरा हृदय पर था लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मैं कितना भाग मनुष्य हूं, तुम मेरे हृदय पर ही था लेकिन मुझे मालूम नहीं था, तुम्हारे प्रेम को मालूम नहीं था, तुम्हारा सच्चाई से मालूम नहीं था, तुम्हारा पवित्रता को मालूम नहीं था, और मैं अपवित्र होते हुए, प्यार नहीं मिलते हुए, बहुत बुरी आदत था, क्योंकि मैं आपको नहीं मिल पाया, यही सबसे पहला मेरा पछतावा था। और उसके बाद पवित्र आत्मा मेरा हृदय पर ऐसा प्यार भरा था कि यहां पर लिखा है जब हम पछतावा कर पाप स्वीकार कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा तो हमारा जीवन एक नया जीवन हो जाता है, नया जीवन। जैसे कि ये लड़का वापस आ गया, उनको नया कपड़ा दिया, नया जूता दिया, उनका जीवन पर एक नया जीवन हो गया। आइए हम एक बार आगे बंद करते हुए हमारा हृदय पर प्रभु इतना प्यार से बुलाता है, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारा पाप सिंदूर जैसा लाल क्यों न हो, मैं तुम्हारा पाप के लिए
सूली पर दाम चुकाया हुआ है, वो विश्वास करते हुए मेरे पास आओ और तुम्हारा सब पापों को मैं धो डालूंगा और तुमको कृपा से भरपूर करेगा। तुम्हारे सब पापों को बारे में सोच कर पछतावा करो और पाप स्वीकार करो, तुम्हारा जीवन नया बन जाएगा। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। आमीन। हालेलुया।